ये कितनी खुली जगह है यार, कितनी शांति है। कारों का शोर नहीं, दूर दूर तक इंसान नहीं। टोक्यो से तो बिल्कुल अलग ही है ये जगह, और यहाँ की हवा भी कितनी फ्रेश है। किसी जगह इतनी ठंड कैसे हो सकती है? होकाइडो में कोई कैसे रह सकता है? हाँ, लड़की, होकाइडो की लड़की, इतनी ठंड में भी इसने इतनी छोटी स्कर्ट पहनी हुई है, यहाँ तक कि मोटी जैकेट भी नहीं पहनी। यहाँ इतने कपड़े पहनने के बाद भी मेरी बैंड बची हुई है यार। हाँ, वाह, इसकी नाक कितनी गुलाबी है, सच में कितनी प्यारी है ये लड़की थी या परी? एक बार देखा तो बस मैं देखता रह गया। वैसे रहते कहाँ हो तुम? होकाइडो के तो नहीं लगते। हाँ, मैंने आज ही टोक्यो से मूव किया है। टोक्यो? अचानक से क्या हो गया इसको? लेकिन टोक्यो से इतना दूर गांव की तरफ क्यों शिफ्ट किया? कुछ फैमिली रीजंस हैं। ओह अच्छा, ये बात है। लेकिन टोक्यो के मुकाबले बहुत छोटी जगह नहीं है, मेरा मतलब किटामी? मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, बल्कि इसका उल्टा है। मुझे यहाँ सुकून महसूस हुआ। मुझे सब तंग करते थे क्योंकि मैं उनके जैसा नहीं था। इंट्रोवर्ट की वहाँ कोई जगह नहीं। इंट्रोवर्ट तो इंट्रोवर्ट ही रहेगा, चाहे टोक्यो में रहे या कहीं भी। कितने साल के हो तुम? 16 साल का हूँ। यानी मेरे जितने? किस स्कूल में जाओगे तुम? मैं होकर यू हाई स्कूल। क्या बात है, इतने पास? मैं भी उसी स्कूल में जाती हूँ। कितनी मजेदार बात है। होकाइडो की सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं क्या? अरे सुनो, हो सकता है यहाँ होकाइडो में मुझे कोई। ये लो। यार मर गया, मर गया, मर गया। ये क्या कर दिया तुमने? आया मजा, मुझे इग्नोर करोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। तुमने मेरे कोट के अंदर बर्फ डाल दी थी। हाँ, तुम्हें मेढक की तरह उछलते हुए देखकर मजा आया। कितनी सुंदर हो। अरे सॉरी, मैं तो बस। अरे क्या सोचने लग जाती हो बार बार तुम? गलत बात है ये।